हैगा गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ़ कारशाला तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आई टेन का स्पोर्ट्स वेरिएंट जो कि पेट्रोल में है आपका ये कार मेरे को अब तक की इस रेट की सबसे बेस्ट हैचबैक लगी इस कार में आपको प्रीमियमनेस फील होगी इस कार की आपको बिल्ट देखने के लिए मिलेगी इस कार में आपको एलोइज देखने के लिए मिल जाते हैं इस रेट में तो और क्या चाहिए आपको इस कार में आपको इस कार में फीचर्स मिल जाते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी प्रीमियमनेस से भरी कार इतने फीचर्स से भरी कार और इस रेट में कार काफ़ी बढ़िया है स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ आपको कुछ ऐसी की मिलती है इतनी प्रीमियम की है ऐसी चीज़ आपको चौदह पंद्रह लाख रुपए की गाड़ी के साथ मिलती है आपको यहाँ पर साढ़े सात आठ लाख रुपये में मिल जाएगी और हिंडे की एक खास बात है इससे नीचे वाला भी आप मॉडल ले, ले लेंगे तो आपको ऐसी की ऑफर करी जाएगी काफ़ी प्रीमियम है ये कार में आपको लॉक अनलॉक देखने के लिए मिल जाता है बूट ओपनिंग के लिए आपको बटन है होल्ड करके रखेंगे आपका बूट ओपन हो जाएगा वन पॉइंट टू लीटर्स का आपको यहाँ पर इंजन मिल जाता है जो कि फोर सिलेंडर के साथ आता है एट्टी वन बी एच पी की पावर जनरेट करता है एक सौ तेरह एन एम का ये टॉर्च निकालता है आपको यहाँ पर वॉशर फ्लूड मिल जाता है ब्रेक फ्लुइड आपको यहाँ मिल जाता है इंजन कूलेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा फ्यूज़ बॉक्स आपका कार का यहाँ पर है तो आइए बात करते हैं कार के फ्रंट की फ्रंट से कार आपको कुछ ऐसा लुक देती है कार काफ़ी स्पोर्टी लगती है आगे से एग्रेसिव लुक है कार का कार के बीच में हुडे की बैजिंग मिल जाती है रिफ्लेक्टर्स हेलोजन मिल जाते हैं इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ग्रिल काफ़ी स्पोर्टी मिल जाती है हेलोजन रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स है, के ऊपर जस्ट आपको यहाँ पर एक स्मोकी सा शेड देखने के लिए मिल जाता है बूम रैंक शेप की आपको यहाँ पर डी मिल जाती हैं दोनों तरफ आपको मिल जाती हैं इस कार में आपको फॉग लैम्प्स भी ऑफर करे जाते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट है आपका ये टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है तो आइए बात करते हैं कार की साइड प्रोफाइल की साइड से भी काफ़ी स्पोर्टी लुक है क्यूट सी लग रही है गाड़ी काफ़ी फोर्टीन इंचज़ का आपको यहाँ पर व्हील मिल जाता है काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस प्राइस रेंज में बॉडी पेंट से मैच आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स और मिरर मिल जाते हैं मिरर के ऊपर आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं बैक डोर के हैंडल्स आपको अगर यहाँ पर दिए जाते तो काफ़ी बढ़िया लगते आई टेन की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है कार में आपको रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देती हैं कार को शार्क फेनटीना आपको मिल जाता है ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इस प्राइस रेंज में तो आइए बात करते हैं कार की बैक प्रोफाइल की बैक से काफ़ी अच्छा लुक है कार का बीच में उंडे की बैजिंग मिल जाती है नियोस लिखा हुआ मिल जाता है आई में आपको यहाँ पर ब्लू शेड दे दिया गया है काफ़ी बढ़िया लगता है ये रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स मॉडल है स्पोर्ट्स की बैजिंग मिल जाती है ग्रेड आइटन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है रियर ग्लास में आपको डीफोवर मिल जाता है रियर वाइपर आपको ऑफर नहीं किया जाता दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको पीछे एक लेफ़्ट में एक राइट में बात करूँ टेल लैंप्स की नॉर्मल आपको यहाँ पर टेल लैंप्स मिल जाते हैं हेलोजन इंडिकेटर्स रिवर्स पार्किंग लाइट दो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एक यहाँ पर आपको एक यहाँ पर मिल जाता है तो आइए बात करते हैं कार के बूट स्पेस की यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे दे दी गई है टू सिक्सटी लीटर्स का यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है फोर्टी इंचज़ का स्पेयर व्हील मिल जाता है टूल किट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं व्हील चेंज करने के लिए मुझे थोड़ा सा डोर हैंडल गड़बड़ लगा ये यहाँ पर देने का कोई सेंस नहीं था यहाँ पर देते काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर बंदा बंद कैसे करेगा इसे ये बात करते हैं कार की रियर सीट्स की ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है ठीक है स्पेस कार का सीट्स काफ़ी चौड़ी हैं बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है आराम से बैठ सकते हैं आप यहाँ पर पाँच लोग पीछे से कार का लुक ऐसा आएगा काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है ये कार इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी ये कार डोर्स में आपको यहाँ पर एक ऐसा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है हनी जैसा काफ़ी अच्छा लग रहा है हर डोर में आपको मिल जाएगा आगे डैश में भी आपको ये मिल जाएगा तो आइए बात करते हैं कार के इंटीरियर की यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको मिरर्स मिल जाते हैं चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं लॉक एंड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है सेटन सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर ड्राइवर सीट देखने के लिए मिल जाएगी बाकी आपको मैनुअली एडजस्टेबल करने पड़ेंगे यहाँ पर आपको फुटरेस मिल जाता है कार के चारों डोर्स में आपको स्पीकर मिल जाएंगे आगे पीछे एक प्रीमियम फिनिश जो चाहिए होती है कार में बैठने के बाद वो आपको इस कार में मिलेगी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार है स्टेयरिंग पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं अपने बीच में हुडे की बैजिंग मिल जाती है बात करूँ कार की क्लस्टर की यहाँ पर आपको नॉर्मल टैकोमीटर मिलता है डिजिटल आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है आप बाकी यहाँ से अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं बटन से राइट साइड में आप अपना फ्यूल देख सकते हैं एसी वेंट्स इस कार के आपको मर्सिडीज़ जैसे देखने के लिए मिल जाएंगे मर्सिडीज़ में कुछ कुछ आपको ऐसे एसी वेंट्स मिल जाते हैं डैशबोर्ड के यहाँ पर आपको सैटन ग्रे कलर की फिनिश मिल जाती है इस इवेंट्स के ऊपर तक आती है आपकी ऐसे यहाँ तक आएगी है दो एयर बैग्स आपको इस कार में ऑफ़र करे जाते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है पर आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाती है फाइव गियर ट्रांसमिशन के साथ आपकी कार आती है एक बोतल रखने के लिए एक कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेबल हैंड ब्रेक मिल जाती है रेयर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ लगी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार के सपोर्ट के साथ आपको यहाँ पर इन्फरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है काफ़ी बढ़िया चीज़ है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है वीडियोस प्ले कर सकते हैं आप लेफ्ट में आपको वाइपर्स कंट्रोल करने का मिल जाता है ऑप्शन राइट में आप इंडिकेटर्स कर सकते हैं कंट्रोल यहाँ पर आपको लाइट एडजस्टमेंट का स्विच मिल जाता है यहाँ पर आपको डैश डैशबोर्ड के नीचे ग्लव बॉक्स के बीच में आपको यहाँ पर एक डिसेंट सी स्पेस दे दी गई आप अपना फ़ोन वोन रख सकते हैं यहाँ पर कार के लैम्प्स आपको आगे नहीं मिलते आपको यहाँ पर बीच में देखने के लिए मिलेंगे कॉल अटेंड करने के लिए आपको यहाँ पर माइक दे दिया गया है मैन्यली एडजस्टेबल आपको यहाँ पर आई दे दिया गया हैं ऑल ओवर इस कार के प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कार बनाई है उन्डई ने काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस फील होती है कार में इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको इस कार में अलॉय व्हील्स दे दिए गए हैं काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी फॉग फॉगलेम्स आपको ऑफर कर दिए गए हैं डी आपको मिल जाती है कम्फर्ट आपको कार में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कारशाला फॉर मोर वीडियोज़